2000 की नौकरी और 2 लाख की वसूली करने पर मीटर रीडर पर हुई थी कार्यवाही। झूठे निकले आरोप मीटर रीडर से प्रताड़ित हुए कई उपभोक्ता आए सामने, SP एवं IG से की शिकायत। आपको बता दें कि अवैध वसूली की शिकायत के बाद मीटर रीडर को किया गया था कार्य से पृथक। MPV में पदस्थ मीटर रीडर के द्वारा बीते दिनों कार्यपालिनी यंत्री नरेंद्र मिश्रा के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप अब निराधार साबित हो रहे हैं। बार बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई शिकायत एवं समाचार के माध्यम से जानकारी होने पर कई उपभोक्ताओं ने मीटर रीडर के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत कराने पहुंचे उपभोक्ताओं ने बताया कि मीटर रीडर रोहित कुमार मिश्रा, जो करहिया मैदानी ढेका में मीटर रीडर के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा उनसे लाखों रुपए की वसूली की गई है। पुलिस अधीक्षक एवं IG के सामने उपभोक्ताओं के द्वारा वो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें मोबाइल फोन के माध्यम से मीटर रीडर के द्वारा पैसे लिए गए थे। दरअसल इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि मीटर रीडर रोहित कुमार मिश्रा को मीटर रीडर के तौर पर 2000 की सैलरी मिल रही थी, लेकिन उसके द्वारा उपभोक्ताओं से कम बिल भेजने की एवज में 20 से 25 हज़ार रुपये की वसूली हर माह की जाती थी। कंपनी को निरंतर हो रहे नुकसान के बाद जब जांच हुई तो पता चला कि मीटर रीडर के द्वारा कई उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की गई है और मीटर चलने के बावजूद उन्हें कम बिल देकर पैसों की वसूली की जाती रही है। मामला सामने आने के बाद कार्यपालिनी यंत्री नरेंद्र मिश्र के द्वारा मीटर रीडर रोहित कुमार मिश्रा को कार्य से पृथक कर दिया गया था, जिसके बाद वो नौकरी में पुनः आने के लिए उन पर दबाव बना रहा था। इस पूरे मामले को लेकर आधा दर्जन से अधिक उपभोक्ता सहित MPV के मीटर रीडर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर मामले की गंभीरता से जांच कराने की बात कही गई है। प्रस्तुत है इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। पैसा वसूली की गई थी, क्या कह के लिया गया था, क्या काम था आपका वहाँ? हमको ये बोल के दिया गया था कि आपका दूर कनेक्शन है तो आपको 20,000 लगेगा। ये किसने कहा था आपसे? रोहित मिश्रा ने। ठीक है, फिर आपने उसको पैसा दिया? हाँ, पहले शुरू में आपने उनको नगद दिया और उनके बाद उनको हमने अकाउंट पे पेमेंट की थी, 10,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये कैश इसमें अकाउंट पे। ये बिना अधिकारियों के आप एक लाइन मैन, बिना अधिकारियों की जानकारी के आप लाइन मैन को पैसा दे रहे हो, इस बात में कि आपने मीटर रीडर को पैसा दे रहे हो, तो क्या इस बात की पुष्टि की थी आपने? मैंने ऑफिस पे पहले ऑफिस में जाके पूरा फॉर्म भरा था, एक मैडम से पूरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाया था, वहीं पर ये बंदे बैठे थे, तो हमको तो ये नहीं पता कि ये कौन है। इनने बोला हम रीडर हैं, हम आपका काम करवा देंगे। फिर हमको एक दो दिन बाद फ़ोन आता है कि आपको ये कनेक्शन इतने में पड़ेगा। फिर आपने उनको पैसा दिया? फिर हमने पैसा दिया। ऐसे कितने लोग होंगे मतलब आपके उधर के, और कोई लोग ऐसे? 10 से 15 वहाँ के, मेरे के जानकारी में तो नहीं पता, बाकी मेरा कनेक्शन तो उसी ने किया है। क्या नाम है? विनय कलवानी। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले कटनी के हैं, मकान यहाँ बनाया है करहिया में। किसको पैसा दिया? रोहित मिश्रा। मीटर रीडर जो आपके यहाँ मीटर रीडर थे, क्या धमकी दे रहे थे आपको? ये बोले कि आप कनेक्शन नहीं दे रहे हो वहाँ जो है, तो क्या माजरा? हम कहें जो है तो उनके कनेक्शन है। अब उसमें फिर वो, हमारी तबीयत ख़राब थी तो सांसद के यहाँ से बन के जो है ना, वो हम सांसद के यहाँ से बोल रहे हैं उनको ऐसा कर देंगे, उल्टा माने माने उल्टा डांग बोल रहा था, यही बोल रहा था। मेरे अंडर में वर्तमान में 70-78 मीटर रीडर कार्य कर रहे हैं, जिसमें से करीब 76 मीटर रीडर कार्य अच्छा कर रहे हैं या कर रहे हैं ऐसे, तो कोई शिकायतें मेरे पास आएंगी, उनकी कोई व्यक्तिगत परेशानी होगी उसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं कर सकता।